अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बस मैं तैयारी कर रही हूँ। माशाल्लाह से आज मेरी शादी की सालगिरह का दिन है। घर की सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई हैं और मैंने अपना फेशियल भी किया है, डाई भी करने थे थोड़े से बाल, वो भी किए हैं कि थोड़ा सा। और मैंने आज ना रखा है सीक्रेट। सीक्रेट क्या रखा है शाहजेब बताएंगे। शाहजेब सीक्रेट बताओ क्या रखा है आज? ये सीक्रेट है। हाँ भाई, ये सीक्रेट ये है कि मैंने ये सीक्रेट रखा है कि मैंने आ रहे हो और मैं भी उन्हें सरप्राइज देना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने उनको इग्नोर किया हुआ है। और अब इग्नोर का मसला ये नहीं है कि कोई अल्लाह माफ़ करे उन्हें विश नहीं किया या कोई नहीं, मगर बस नॉर्मल, बस नॉर्मल है जो भी बात कर रहे हैं, नॉर्मल बस, ठीक है। हाँ सही है, एनिवर्सरी है, बस ठीक है। तो मैंने अभी भी बनाना है केक और खाना बनाना है इंशाल्लाह, और शाम को उन्हें विश करना है। तो बताएं कैसा आइडिया रहेगा भाई? थोड़ा अच्छा लगता है ना ज़रा चेंज हो। तो बस दुआओं में याद रख। ये मैंने चिकन मंगाई थी, चिकन आ गई इसके 700। मैं दे रही हूँ पैसे, ये घर दे जाते हैं। अगर आपको भी चिकन इनसे चाहिए तो इनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, अपना फ़ोन नंबर बता दो। 03-15-56-422। ठीक है, आपको इनका नंबर मिल गया। गौरी टाउन में आपको जहाँ भी चिकन चाहिए होगी ये घर पहुँचा देंगे। और चिकन भी देखें इनकी अच्छी होती है। वैसे तो मैं दूसरे चिकन वालों से भी मंगवा लेती हूँ और इनसे भी मंगवा लेती हूँ, ये दोनों ही अच्छी चिकन दे जाते हैं, बहुत अच्छी। बस मैंने कहा शाम के लिए तैयारी करूँ, खाना वाना चढ़ा लूँ। लिंता बना रही है केक, मज़ेदार केक तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। और मंगा तो बाज़ार से भी सकते हैं चीज़ें, मगर आज मेरा दिल था कि हम, या तो बिल्कुल ही, मेरा दो तरह का दिल था, या तो हम बिल्कुल ही बाहर जाके खाते या फिर हम घर में बनाते हैं। बाहर जाने वाला मामला जो होता है वो मर्दों का डिपार्टमेंट होता है, तो उधर से अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने कहा बस मैं अपनी खुशी से घर का खाना बनाती हूँ। तो बाकी है कि इनके बाबा तो यही समझ रहे हैं कि हम एनिवर्सरी मना ही नहीं रहे, क्योंकि अब मैंने उनको बताया ना, मैंने आपको, मैं तो सरप्राइज़ दे रही हूँ उन्हें। एक केक की बेस तो तैयार हो गई है माशाल्लाह, लिंता ने बनाई है, और अभी अब दूसरे का वेट कर रहे हैं। जुम्मा था, सूरह काफ की तिलावत करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। लिंता केक बना रही हैं और शाहजेब यहाँ शोर मचा रहे हैं, और मैं लगा रही हूँ अब मेहंदी। मैंने कहा मेहंदी लगाती हूँ, चलो छा जाएगा। अभी थोड़ा कलर चेक किया, अच्छा कलर है इसका, ये देखें जरा आप, मेहंदी लग गई है ये। ये मैंने मेहंदी लगा ली, लिंता देखो मेहंदी ठीक लग रही है। ये लिंता केक का तैयारी कर रही है। मेहंदी ठीक लग रही है, देखो सही लग रही है, बहु 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 सही लग रहा है। खाना बन गया और अब मैंने कहा मैं तैयार हो जाऊँ, मेकअप निकाला है फटाफट करने के लिए, और जल्दी जल्दी बस तैयार होके फिर आपसे मिलते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हूँ। आज ड्रेस मैंने पहना है, ये कराची में जो मेरी नंद की बेटी की शादी हुई थी ना, उन्होंने मुझे ये दुपट्टा शर्ट दिया था, ये कामदानी हुई हुई है, बहुत प्यारा खूबसूरत सेट है ना, ये शेफोन, बहुत अच्छी वाली शेफोन पे कामदानी हुई हुई है ये। तो मैं फिर कराची छोड़ आई थी, तो दुर्दाना चोटियाबा ने ना इसकी ये लाइनिंग का कपड़ा और शलवार वगैरह लेके मुझे सिखा के भेज दिया था, दुर्दाना ने सिलाई करा के। और बाकी ये चूड़ियाँ इसके साथ मैच कर, ये चेन पे कौन आ गया, शाहजेब आ गए। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी एनिवर्सरी। बस केक भी तकरीबन तैयार है। ये लिंता जो है वो जुगाड़े कर रही है ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से, और मुझे तो शक्ल से ही केक ज़बरदस्त लग रहा है। क्यों काशा? पता नहीं। अच्छा, अभी तो तुम बड़ा राल टपका रहे थे अपनी। झूठ, इतनी बड़ी झूठ, इतनी बड़ी, ये देखें भाई क्रिएटिव वर्क। काशा पंखा चला दो, पसीने छूट जाएंगे। काशा चुप हो। केक काटने की तैयारी हो गई है माशाल्लाह से, लिंता ने बहुत जबरदस्त मास्टर पीस केक बनाया। और अभी वजी की भी कॉल आई है, वजी बहुत याद आ रहा है आज मुझे, आए के लिए, मेरा बच्चा है, मुझे याद आ रहा है। बस शुक्रिया, बहुत 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 अच्छे लगे।
बहुत अच्छी लगी की तरफ से है और आज ये बहुत खूबसूरत है। ट्रॉफी मिली है, ट्रॉफी ये आपको ट्रॉफी मिली है। 22 साल की सालगिरह है एनिवर्सरी में। आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस माशाल्लाह कह दीजिएगा। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोग ऐसी दुआ करते रहे हमारे लिए, इंशाल्लाह ऐसी ऐसी खुशी रहे हम लोग और अपनी फैमिली के साथ और इस घर में हमेशा खुशी रहे। बस खाना लगा दिया, अब हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, फिर आपसे बात करते हैं, मिलते हैं। खाना वाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो गए हैं, बस अल्लाह का शुक्र है अच्छा दिन गुजर गया है। बस मैं और सऊद ज़रा जा रहे हैं कहीं बाहर। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे पता है कि आप लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप लोगों की मोहब्बत और दुआएँ हैं जो ज़िंदगी आसानी से गुजर रही है, अल्लाह का करम है। तो दुआ करें कि बस अल्लाह का करम रहे हमेशा और बुरी नज़र से अल्लाह ताला हम सबको आप सबको बचाए, खुशियाँ दे। तो ये ब्लॉग बनाओ, इधर ये देखो ये कारपेट धुल रहा है और आज हमने टेंडर डलवाया है, आज आसमान से भी पानी आ रहा है और जमीन से भी पानी आ रहा है, आज हमारे पैसे गाया हो रहे हैं, होंगे नहीं इंशाल्लाह। इतनी जबरदस्त बारिश है, इतना प्रेशर है, जरा प्रेशर चेक करें बारिश का है। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो अपन कह रहा है, पता नहीं मट्टी में चल रही है। ये भाई सऊद की तरफ से आज हमारी एनिवर्सरी की दावत है, जिसके अंदर ये आए हैं पिज्जा माशाल्लाह से। अब तक आप इनकी टपकती हुई राल चेक कर सकते हैं कि ये राल किस बेचैनी से टपक रही है माशाल्लाह। कारपेट धुले थे, बारिश बहुत हुई है इसलिए मजबूरन इसे अंदर डालना पड़ा है, और ये कारपेट वो वाला छोटा वाला तो सूख गया है, ये वाला थोड़ा थोड़ा गीला है, पंखा चला के इसे डाला है। अवकाशा साहब मदर से आज से आके सो गए हैं और ये देखिए, और आज बहुत बेहतर मौसम हुआ है माशाल्लाह से, बहुत 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 बाहर निकलो तो हफ्स, हाँ घर में फिर भी पंखे में कुछ सुकून आ रहा है, फिर भी सुकून आ रहा है, वरना पंखे में भी सुकून नहीं आ रहा था। और ये सारी तैयारियाँ क्यों हो रही हैं, ये सब एक सरप्राइज़ है जो कि बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, मगर मैं नहीं बताऊँगी, दिखाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मैंने पर्दे भी धोए हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।